बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज की हम जो रेसिपी बना रहे हैं यह है शीर कोरमा, जो कि बहुत ही अच्छा बनता है, बहुत मज़े का बनता है। आप लोग ज़रूर अपने घर में ट्राई कीजिएगा, और जब ट्राई करेंगे तो मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में कि आपने बनाया था। ये मैं आपको इसके इंग्रेडिएंट्स नोट करवा देती हूँ। ये 1 kg ऑल पर्स का ले लें, या टेट्रा पैक ले लें, दूसरा दूध ले लें जैसे मिल्क पैक ले लें, या फिर डेयरी मिल्क ले लें। मैंने ऑल पर्स 1 kg लिया है। इसके साथ जो है ना, हाफ़ कप सेवैयाँ ली हैं और हाफ़ कप ही चीनी है। चीनी मैं हाफ़ कप ले रही हूँ। अगर आपको ज़्यादा चीनी पसंद हो तो फिर आप इसमें बढ़ा सकते हैं। मैंने इसमें बटर यूज़ किया है, घी भी यूज़ कर सकते हैं। ये 3 tablespoon जो है ना बटर है। ये कंडेंस मिल्क है, मैंने हाफ़ जो है बोल हमने लिया है इसका। ये 2 tablespoon हमने इसमें साबूदाना डालेंगे। साबूदाना से बहुत अच्छा फ्लेवर भी आता है और ये थिक भी हो जाता है। अच्छा, ये पिस्ते बादाम है, किशमिश है, इलायची है जो कुटी हुई है। बस ये इंग्रेडिएंट्स जाएंगे इसमें। हमने अपना जो दूध था वो बॉईल करने रख दिया था 1 kg। अब ये दूध बॉईल हो रहा है। अब इसमें हम इलायची पाउडर डालेंगे और चीनी वगैरह डालेंगे, आपको बताते हैं। ये देखिए हमारा दूध बॉईल हो रहा है। बस इतना बॉयल करेंगे कि ये थोड़ा गर्म हो जाए, क्योंकि इसमें उबालने का तो कोई ऐसा सिलसिला होता नहीं है। टेट्रा पैक है, डेयरी मिल्क में ये क्या हम उबालेंगे। अब इस स्टेज पे हम इसमें इलायची डाल देंगे, इलायची पाउडर, या आप इलायची ले लें, साबूदाना। जब दूध गर्म हो जाएगा फिर साबूदाना डालेंगे ताकि ये अच्छा सा उबल जाए और ये पक भी जाए, क्योंकि गर्म दूध में ही साबूदाना जो है ना फूल जाता है। ठंडे दूध में वो टाइम लगाता है, लेकिन गर्म दूध में जल्दी से हो जाएगा। बस इसको हल्का हल्का सा पकाते हैं और साथ ही इसमें चीनी भी ऐड कर देंगे। चीनी अपने टेस्ट के हिसाब से ले सकते हैं आप, ज़्यादा अगर आपको पसंद हो, और टेस्ट भी कर सकते हैं। जब ये डन हो जाएगा तो थोड़ा सा टेस्ट कर लें, अगर आपको कम लगे, क्योंकि हम कंडेंस मिल्क भी इसमें डालेंगे, वो भी मीठा होता है, इसलिए शुगर का लेवल इतना रखेंगे कि ये बैलेंस रहे। कंडेंस मिल्क के साथ ज़्यादा बहुत मीठा ना हो, फिर वो अच्छा नहीं लगता बहुत मीठा। बैलेंस रहेगा तो जल्दी भी बन जाएगा और अच्छा भी लगेगा खाने में। ये देखिए हमारा दूध पक रहा है। जब ज़रा साबूदाना बस थोड़ा सा फूल जाए तो फिर हम इसको जो है हल्की आंच पे पकने देंगे, जब तक हम अपने फिर दूसरा प्रोसीजर करेंगे। अभी जो है हम इसमें कंडेंस मिल्क डाल देंगे, 1/2 kg जो मैंने आपको बताया था, कंडेंस मिल्क चला जाएगा ताकि ये दूध के साथ अच्छा सा पक जाए। बस स्लो फ्लेम में, अगर ये उबाल आ भी जाएगा तो स्लो फ्लेम में ही रखना है इसको। फिर हम जब सेवैयाँ वगैरह इसमें डालेंगे तो फिर जो जब तक ये पकता ही रहेगा हल्की आंच पे, ज़रा सा एक उबाल आ जाए बस इसके अंदर, तो फिर मैं आपको बताती हूँ कि आगे जो है हम क्या करेंगे। ये देखें हमारा दूध अभी पक रहा है, तो इसको हल्की आँच पर कर देंगे जब तक ये पकता ही रहेगा, तो स्लो फ्लेम कर देंगे इसकी। अब दूसरी तरफ जो है हम अपनी सेवैयों को फ्राई करने का स्टार्ट करते हैं प्रोसेस। ये देखो हमने पैन रख दिया, फ्लेम ऑन करेंगे। जो 2 tablespoon जो 3 tablespoon लिया था मैंने इसको मक्खन को, आप चाहें घी में बनाएं, देसी घी में बनाएं, अच्छा फ्लेवर आता है बटर में। तो ये 3 tablespoon बटर था, थोड़ा सा ये मेल्ट हो जाए। तो फिर इसमें हम अपनी सेवैयों को फ्राई करेंगे, हल्का हल्का फ्राई करेंगे, एक अच्छा पन उसका खत्म हो जाएगा सेवैयों का। फ्राई करके बहुत अच्छा सा इसका फ्लेवर आता है। जैसे हमारे ये बटर हो रहा है, साथ ही हम अपनी इसमें सेवैयाँ ऐड कर देंगे, जो कि हाफ कप, यानी हाफ आप अपनी चॉइस से भी ले सकते हैं, लेकिन जो मेजरमेंट के हिसाब से लें तो ये हाफ कप सेवैयाँ है, जिसको मैंने बहुत अच्छा चूरा कर लिया ताकि फ्राई करने में ये जो है ना धड़ ना हो। हल्का से इसको फ्राई करेंगे, साथ ही इसके अंदर जब हम फ्राई कर रहे होंगे तो थोड़े से पिस्ते बादाम जो हमने गार्निशिंग के लिए भी काटे हैं उसमें डालने के लिए भी थोड़े से इसमें वो डाल देंगे ताकि वो भी अच्छे से इसमें रोस्ट हो जाए। इसको हल्का सा रोस्ट करेंगे। जैसे इसमें से खुशबू आने लगेगी सेवैयों में से फ्राई होने की, तो बस हम इसको अपने दूध में डाल देंगे। हल्की, वैसे तो ये बुनी हुई थी, मतलब जो पैकेट में थी, लेकिन कच्चापन खत्म करने के लिए बिल्कुल सा हल्का सा भूनना है। और तो इसमें किशमिश भी डाल देंगे, किशमिश भी अच्छे से इसमें रोस्ट हो जाएगी। ज़्यादा नहीं है उसको पकाना,
आसान होगा, ज़्यादा आपको टाइम नहीं लगेगा और जल्दी से ही बन जाएगा। जब ये सेवई हम इसमें ऐड कर देंगे तो फिर हम अपने दूध को पकाते रहेंगे हल्की आँच पर। ये दूध हमारा पकता रहेगा जब तक सेवैयाँ ना भूल जाएँ दूध के अंदर। ये देखिए हमारा दूध हल्का हल्का सा बन रहा है, बस इसको हल्की आँच पर पकाते रहें। जितना अच्छा पका हुआ होगा ना ही तो उतना ही अच्छा इसका फ्लेवर आएगा और सेवैयाँ भी इसमें अच्छी सी पक जाएंगी। बस थोड़ा सा गाढ़ा होना ही शुरू होगा तो फिर इसको डिश आउट करेंगे। ये देखें हमारा शीरकुरमा में इतना गाढ़ा हो गया, हमने हल्के आँच पे इसको बहुत अच्छा सा पकाया है और देखिए कलर भी इसका बिल्कुल चेंज हो गया, कलर इसका बिल्कुल बादामी सा हो गया। पकाना इतना ही है कि इतना गाढ़ा हो जाए और बहुत अच्छा सा इसमें पक जाए। अब इसको आपको हम डिश आउट करके दिखाते हैं। ये देखिए हमारा शीरकुरमा बिल्कुल रेडी है, मैं आपको करीब से भी दिखाती हूँ। ये देखें बहुत जल्दी बनता है और फ़ौरन से आप इसको सर्व कर सकते हैं जब कोई मेहमान आपके आए या कोई ओकेशन हो, तो जल्दी भी बन जाता है और अच्छा भी बहुत बनता है। आप चाहें इसमें खोया भी ऐड कर दें, लेकिन मैंने कंडेंस मिल्क डाला था तो खोया ऐड नहीं करा। आपको बहुत अच्छा लगेगा जब आप बनाएंगे और आप खाएंगे तो भी मज़ा आएगा आपको। तो उम्मीद है कि आप सबको बहुत पसंद आएगी रेसिपी और हमें दुआ में अपनी याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। इंशाल्लाह फिर एक नई रेसिपी के साथ मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।